इसके डिफरेंट टाइप्स भी इम्पॉटेंट हैं और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप जो है वो एक्सचेंज है और कॉपरेशन है इंसानी मुशरे उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकते जब तक के उनके दरमियान आपस में कॉपरेशन मौजूद ना हो सो एक्सचेंज एंड कॉपरेशन आर टू टाइप्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स गुड्स और सर्विसज बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो इंसान जो है चूँकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एक ही इंसान जो है वो अपने सारे काम इस माशरे में या इस दुनिया के अंदर जो है वो नहीं कर सकता इस वजह से उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है तो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ उस एक्सचेंज रिलेशनशिप के अंदर जाते हैं जिसकी मदद से हमें हमारे डिफरेंट टास्क जो हैं वो इस दुनिया में परफॉर्म करने में आसानी होती है मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एक स्कूल टीचर है तो उसको इन एक्सचेंज टू हिज सर्विसेज जो पे मिलती है उस पे की वजह से या उस उन पैसों की मदद से जो है वो अपनी ज़िंदगी के बाकी रोजमर्रा के मामलों जो हैं वो सर अंजाम दे सकता है जैसे कि उसको कपड़ों की ज़रूरत है उसको जूतों की ज़रूरत है खाना खाने की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस कॉप्रेशन और एक्सचेंज के नतीजे में पैदा होती हैं तो एक्सचेंज और कॉपरेशन जो है ये किसी भी इंसानी माशरे के लिए उतने ही लाजम मलजूम हैं जितने के हम उसके डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन की एग्जिस्टेंस को देखते हैं एक्सचेंज कैन बी वॉल्ट्री और कोर्स्ट एंड कैन अकर इन वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट एज मार्किट फैमिलीज़ और ऑर्गनाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि एक्सचेंज जो है वो सिर्फ कॉपरेशन की बुनियाद के ऊपर ही हो बाजुकात एक्सचेंज जो है वो जबरन नाफिस भी किया जाता है जैसे कि हम ला इन्फोर्समेंट को देखते हैं कि ला इन्फोर्समेंट के, के ज़रिए मुख्तलिफ तरह के एक्सचेंज को मुमकिन बनाया जाता है मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई टीचर अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी भी स्कूल में कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो उसके जो है जो भी इंस्टीट्यूशन है वो बाउंड है दैट इंस्टीट्यूशन इज बाउंड टू पे हिम और हर हिज और हर सैलरी तो ये एक्सचेंज रिलेशनशिप जो है ये लॉ के ज़रिए इसको इंश्योर किया जाता है इसी तरह से बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन है तो फैमिली इंस्टीट्यूशन में भी जो बच्चे बच्चे की सोशलाइजेशन है माँ बाप को बाज़ा उन पर सख्ती भी करनी पड़ती है ज़बरदस्ती उनको जो है कुछ चीज़ें सिखानी पड़ती हैं तो ये भी कोर्शन के ज़रिए हम उन बच्चों को उस एक्सचेंज रिलेशनशिप के अंदर डालने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है माशरे के वो मुफीद शहरी बन सकें इसी तरह कापरेशन इन्वॉल्व द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और आउटकम तो कोई भी रिलेशनशिप है तो उसमें काप्रेशन जो है वो किसी भी कॉमन गोल के लिए होता है मिसाल के तौर तो पे अगर उस्ताद और शागिरद जो हैं वो आपस में कॉपरेट ना करें तो किसी भी स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम है वो नहीं चल सकता इसी तरह से हम मार्किट रिलेशनशिप देखते हैं जिसमें कि क्लाइंट का और सर्विस डिलीवरी का जो एक रिलेशनशिप है उसके अंदर भी हमें कॉपरेशन नज़र आता है जितने भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उन रिलेशनशिप्स के अंदर आपको हर जगह पे कॉपरेशन रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा पाकिस्तानी माशरे की अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू एज़ वेल द एनालाइजिंग द रोल ऑफ एक्सचेंज एंड कॉपेशन इन पाकिस्तानी इकॉनमी एंड सोशल लाइफ तो आप इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक्नॉमिक सिस्टम के अंदर किस तरह से एक्सचेंज और कॉपरेशन के रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनकी मदद से पाकिस्तानी इकॉनमी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है कोई भी एक्नॉमिक एक्टिविटी आप उसको देख सकते हैं चाहे वो शॉप का जो है अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हो चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो चाहे वो डिफरेंट uh, जो हमारी फॉर्मल एक्नॉमिक ऑर्गनाइजेशन हैं उनका अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप हो तो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू दैट यू कैन एक्सप्लोर दैट हाउ कोपरेशन एंड एक्सचेंज इज गोइंग ऑन इन दो इन द स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ दो ऑर्गेनाइजेशंस